अजमेर में भारतीय जनता टेम्पो यूनियन की ओर से सीएम के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया और शहर में टेम्पो सिटी बस आदि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के मुताबिक चलाने की मांग की गई ताकि उनके घर परिवार का भरण पोषण हो सके, क्योंकि पिछले करीब 3 महीने से लॉकडाउन के चलते उन्हें रोजी रोटी का संकट जो है उसका सामना करना पड़ रहा है। कोविड-19 होने को 3 महीने हो गए। हाँ, 3 महीने से हमारे टेम्पो सिटी बस ऑटो सभी वाहन खड़े हैं, जबकि आज हमारी रोजी रोटी इसी हिसाब से इनके चलने से ही होती है सब कुछ। आज 3 महीने से न तो हमारे को रात दी गई सरकार की तरफ से, न कोई भी सुविधा कोई दी है। आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट के भी हमारे को अगर चलाने की अनुमति दी जाए, क्योंकि हमारे टैक्स, गाड़ियों की किस्तें, परिवार चलाना, मेंटेनेंस सभी आते हैं, तो हम कहाँ से लाएंगे। इसलिए हमारे को जैसे आपके सरकारी बसें चल रही है तो हमारे को चलाने में परेशानी हो रही सरकार को। हमारे को अगर रात नहीं दे सकते हो तो कम से कम चलाने की अनुमति तो दी जाए, जिससे कि हमारी रोजी रोटी चल सके और टैक्स इंश्योरेंस सभी आ रहे हैं, सभी कागजात खत्म हो रहे हैं। गाड़ी अजमेर शहर में कम से कम 2000